भागलपुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा महापौर सीमा शाह के पति और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी, प्राइवेट गार्ड, उसकी बेटी, उसके भाई और कई निजी कर्मचारियों को नगर निगम प्रशासन के द्वारा उनके खातों में भुगतान किए जाने का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। भागलपुर में सृजन घोटाला 2 की आहत हो चुकी है। दरअसल नगर निगम के खाते से जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के पेट्रोल पंप कर्मी को भुगतान किया गया है, साथ ही साथ उनके जो निजी कर्मचारी हैं, गार्ड हैं, गार्ड का भाई, गार्ड की बेटी तक को यहां के पैसे से भुगतान किया गया है। नगर निगम के एक दर्जन से अधिक पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव से निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर नगर आयुक्त का घेराव किया। इस दौरान नगर पार्षदों ने जमकर हंगामा भी किया। पार्षदों का आरोप था कि बिना नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से महापौर और उनके पति के निजी सहायकों को नगर निगम के द्वारा उनके खातों पर भुगतान नहीं किया जा सकता। पार्षदों ने नगर आयुक्त से स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। यह सुनने के बाद हम लोग आंदोलित हो गए कि नगर निगम का अकाउंट से शाहकुंड के एक पंप के स्टाफ के पास जाए, इसका मतलब है यह बहुत बड़ा घोटाला है और यह सृजन 2 का संकेत दे रहा है। देखिए, नगर निगम की यह सफाई कर्मी से संबंधित मामला है और नगर निगम में सफाई कर्मी की प्रतिनियुक्ति होती है और नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी 51 वार्ड है, उससे संबंधित कर्मी होंगे। तो अभी जो संज्ञान में आया है, 2-3 दिन से बातें मीडिया में थी और जो भी थी चल रही थी, तो हम लोग ने अभी कहा भी है, जो पहली बार बात आई है संज्ञान में, तो इसको हम लोग संचिका का अध्ययन कर लेते हैं, सारी बात की जानकारी गहरी रूप से ले लेते हैं, फिर इस पर जो नियम संगत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। कार्रवाई होगी या नहीं सर, क्योंकि पहले भी मैंने कहा जी नियम संगत कार्रवाई होगी, मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन अब कार्यालय की संचिका होती है, कार्यालय की संचिका के अध्ययन करने के बाद उसमें कहाँ खामियां रह गई, क्या रह गई, उसके उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर निगम के पार्षदों ने नगर आयुक्त को 2 दिनों के अंदर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने और स्वास्थ्य प्रभारी रेहान को हटाने का अल्टीमेटम भी दिया है। पार्षदों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वे सभी पार्षद नगर आयुक्त के कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। लेकिन कार्रवाई करेंगे, कब करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया। 2-3 दिन का समय हालांकि लिया है, इससे पहले भी ट्रेड लाइसेंस मामले का घोटाला हुआ, उसमें भी 2-3 दिन का कार्रवाई का बात कहा गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें भी। अब सृजन 2 की आहत हुई है, लाखों रुपये जिला परिषद अध्यक्ष के पेट्रोल पंप कर्मी, साथ ही साथ उनके जो और अन्य कर्मचारी हैं, उनको यहां से नगर निगम से भुगतान किया गया है, लाखों रुपये हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं उनके पैसे वहाँ जा रहे थे, मामला उजागर हुआ और सामने आया कि लाखों का ये लूट है। और भी अन्य मामले हो सकते हैं, जांच की तह तक जाए अधिकारी तो कई मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि आज कई पार्षद नगर आयुक्त से मिले हैं और जांच करवाने की मांग किए हैं, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य प्रभारी हैं रेहान, उस पर भी कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है। और अब देखना यह शेष है कि जो कर्मचारी हैं नगर निगम के और जिनके मिली भगत से पैसे की लूट हो रही थी, जिनके मिली भगत से कर्मचारियों को पैसे जा रहा था, जो प्राइवेट लोगों को पैसे जा रहा था, नगर निगम का पैसा, उस पर कब कार्रवाई होती है। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।